हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का मेरा नया टॉपिक है कि हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉयड ओरियो ऑफिशियली ऑन वन प्लस 3 और 3T। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ऑफिशियली अभी तक सबके लिए लॉन्च नहीं हुआ, ये ओपन बीटा प्रोजेक्ट है। तो आपको इसे अपनी कस्टम रिकवरी से या फिर अपनी स्टॉक रिकवरी से फ्लश कर सकते हैं। आपको फ्लश करना होगा पीसी के सहारे। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका डाउनलोड लिंक। तो ये मेरा एक्चुअली दोस्त का फ़ोन है, तो मुझे अपडेट करना था। उसके 7.1.1 था ऑफिशियल वर्शन। उसके बाद अपडेट करने के बाद देखेंगे इसका एंड्रॉयड वर्शन जो है वो एंड्रॉयड 8.0 हो गया है। और इसे देखेंगे लेटेस्ट वर्शन है यार, व्हाट्स न्यू में देखेंगे। तो या फिर सेटिंग्स में, सिस्टम्स में, लॉन्चर्स में, या फिर सिक्योरिटी पैच जो है उसे बहुत फिक्स किया गया है। तो ये जो एंड्रॉयड 7.1 से बहुत ही बेहतर है, और इसका रोम या बहुत लाइट है अभी। अब जबकि ये बीटा प्रोसेसर है तो थोड़ा बहुत आपको बग्स दिखने मिल सकता है, क्योंकि अभी तक ये स्टेबल नहीं आया है। तो बीटा के लिए, तो जब भी है ये पहला बीटा है, तो मुझे अब तक कोई बग्स दिखा नहीं। अगर आपको कोई बग्स दिखे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धीरे धीरे ये बग्स ठीक हो जाएगा। चलो, और इसका कोई फीचर जो है, बहुत ही फीचर्स, एक दो फीचर्स ऐसे हैं मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है कि नए नए फीचर्स अभी आए हैं। जैसे कि आप स्मार्ट मैसेज है कि स्मार्ट मैसेज में आप क्लिक करके डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो अबाउट में सब लिखा नहीं है, तो मैं उसे धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा कि नया नया चीज़ में क्या क्या आया है अभी। जब तक जब जब मैं नया नया चीज़ और ढूंढता जाऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊँगा कुछ दिन के बाद। इसे ऑफिशियली पूरा एकदम, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि पूरा अच्छी तरीके से यूज़ करके, उसके बाद इसे मैंने कुछ देर पहले इंस्टॉल किया। तो ये थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें जो मैं अभी अभी देखा, तो वही बता रहा हूँ आप लोगों को। और चलो दिखा तो उसके बाद का फीचर्स। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके मैसेज ऐप में जो नया फीचर्स आया है कि आप डबल टैप टू कॉल या फिर सिलेक्ट ऑल करके देखेंगे कि मैं पेस्ट करूँगा। अभी इसे सिलेक्ट ऑल करूँगा, कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, या फिर कोई भी नंबर हो, अगर कोई भी टेक्स्ट हो, अगर उसमें कोई नंबर है उसमें आप डबल टैप करेंगे तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन आ जाएगा उसे क्या करना है। देखेंगे ये कट कॉपी पेस्ट या फोन, ये एक नया फीचर्स है और इंटरेस्टिंग फीचर्स है। पुराने में ये नहीं था, ये मुझे नया लगा अभी। तो और जो जो फीचर्स इसमें आने वाला है देखेंगे कि ये डबल टैप टू ओपन लिंक वेयर क्रोम, कट कॉपी पेस्ट एज यूजुअल कट कॉपी पोस्ट होता है नॉर्मल रोम में, तो इसमें कुछ नया है। और थीम देखेंगे, मैंने एक थीम अप्लाई किया है इसमें, देखने में काफ़ी हद तक नया है। और स्टाइल तो मटेरियल यूआई है, अब देखेंगे। स्टॉक बेस एंड्रॉयड है इसलिए बहुत ही स्मूथ चलता है। ऑक्सीजन ओएस के बारे में आपको जो जानता है तो जानता ही है, बहुत ही बढ़िया है। स्टॉक बेस ही है, बस थोड़ा बहुत कस्टमाइज है। तो इसका आगे का जो फीचर्स मैं देखता हूँ अभी। और इसका सिक्योरिटी पैच जो है, वो सिक्योरिटी पैच अपडेट हो चुका है। इसका मतलब गूगल के साथ इसका सिक्योरिटी पैच के लेके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अप टू डेट होगा, क्योंकि स्टॉक बेस एंड्रॉयड है। और इसका जो नया और एक फीचर्स आया कि आपका कोई मैसेज या फिर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो एक ब्लू डॉट के सहारे अब दिखा देगा कि एप्लीकेशन में कोई नोटिफिकेशन आया है कि नहीं, ये बेटर है। इसमें एक नया फीचर्स और भी आया है, जो अब से आप ये जानते हैं शॉट ऑन वन प्लस। तो शॉट ऑन वन प्लस में आप डायरेक्टली किसी फ़ोटो को आप शॉट ऑन वन प्लस सेट कर सकते हैं। देखेंगे, मैं दिखाऊंगा अभी। अब शेयर में जाएंगे, तो शेयर में जाने के बाद देखेंगे कि डायरेक्ट शॉट ऑन वन प्लस इधर ऑप्शन दिख रहा है। तो इसमें ये फीचर्स बहुत ही अच्छा है। तो इसका जो ये देखेंगे ना, रिसेंट यूआई और ज़्यादातर यूआई में स्मूथनेस बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है और बहुत ही बेटर है पहले से। मुझे बीटा में ही बहुत ही इम्प्रूव दिख रहा है, तो आगे चल के बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो मेरे लिए एक काम करना कि सब्सक्राइब कर देना, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, और भी सब्सक्राइबर चाहिए। मैं रोज आपके लिए रोज़ ऐसा टेक वीडियो या फिर नया नया वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट शेयर कर देना। बाय।